के कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, चूंकि कल से हमारा विधानसभा का सत्र आगाज होने वाला है, हमारे देश का लोकसभा का संसद का सत्र आगाज हो चुका है, तो ये हम लोग संदेश सबसे पहले देना चाहेंगे कि जैसा कि आज चूंकि ये शायद हमें लगता है कि अंतिम महत्वपूर्ण सत्र होगा, क्योंकि उसके बाद चुनावी रंग में हमारा राज्य रंग जाएगा, तो इस राज्य की जिन उम्मीदों के साथ ये सरकार चुनने का काम की थी, जो उम्मीदें उन्होंने जगाकर हमारे वोटों को लेने का काम किया था, और हम लोगों ने एक बड़ी आशा और उम्मीद के साथ वर्तमान की सरकार को चुनने का काम किया था, क्योंकि उनके पास ये अंतिम अवसर है। अतः आज के आपके माध्यम से, क्योंकि हम लोग बचपन में एक स्कूल की दीवार में एक लाइन पढ़ते हैं, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, लेकिन मैं आज गर्व से का साथ कहना चाहूंगा कि उसमें मैं एक लाइन एड करना चाहूंगा कि मीडिया इज ऑल्सो मिरर ऑफ सोसाइटी। अगर मीडिया अपना काम सही से करे, मीडिया अपना काम निष्पक्ष होकर करे, तो शायद मीडिया भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में, जिस प्रकार हम लोग पढ़ते आते हैं लिटरेचर के बारे में कि लिटरेचर मिरर होता है, मीडिया भी मिरर का कार्य करती है। तो आज मीडिया के माध्यम से, मीडिया को माध्यम बनाते हुए, राज्य की सरकार को विधानसभा सत्र के ठीक पहले मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि कृपया करके आप जिन मुद्दों के साथ आए थे, सबसे पहले उन मुद्दों पर आप ध्यान दें। आपके जो मुद्दे थे, जो कि अभी देख सकते हैं कि आप कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया में एक मैंने तस्वीर लगातार वायरल हो रही है, जिसमें आपके जेपीएससी के विभाग नगर निगम का जो वैकेंसी है, जिसमें वैक्सीन जो है बाहर के राज्यों को लिया गया, और चिट्ठी लिखने का आदर नियम होती जी। आप मेरा कहना यही है कि आखिर ये राज्य बना क्यों है? आज अगर हम विगत दो वर्षों की बात करें तो सहिया लोग धरने पर बैठे हैं, पारा शिक्षक धरने पर बैठ के लाठियां खा रहे हैं, सहायक पुलिसकर्मी धरने पर बैठे हैं, रैयत माइंस के एरिया में कोलियरी में धरने पर बैठे हैं। तो इस राज्य के जो नीति नियम बने आखिर वो किनके लिए बने हैं? जब ये नीति नियम हमें लाभ ही नहीं मिल रहे हैं, तो इसीलिए सबसे पहले नीति नियम की बात होनी चाहिए, और इस राज्य की जनता को भी आह्वान देना चाहेंगे कि आगामी विधानसभा के चुनाव में जो इनके नीति नियम की बात ना करे, ऐसे लोगों को चुनने की आवश्यकता ना करे, कि जो विधानसभा का सत्र जाएगा, 81 के 81 विधायकों को यही संदेश होगा कि आप कैसे यहाँ के नियोजन में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो सरकारी सेक्टर हो, मैक्सिमम झारखंड के लोगों कैसे होगा, सदन में आप बैठे हैं, इस बात को आपको तय करना होगा। दूसरी बात, मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, देखिए एक कहावत है कि अपना अपना करो सुधार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। यदि आप अपना सुधार नहीं करेंगे तो आप लाख लोगों को बरगला लें, जब समय आता है तब आप अपने आप को आदिवासी का बेटा करके बच जाते हैं, लेकिन इस लिस्ट में आदिवासियों का भी नाम है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी घटना याद कहानी आप पढ़े होंगे, एक वेद की कहानी है जो जड़ी बूटियों से इलाज करता था। एक दिन एक महिला अपने बच्चे को लेकर उस वैद्य के पास गई और वैद्य से कहा कि मेरा बेटा का तबीयत खराब है, इसका इलाज कीजिए। तो वैद्य ने कहा 2 दिन के बाद आइए। जब 2 दिन के बाद महिला अपने बेटे को लेकर वैद्य के पास गई तो वैद्य ने कहा कि इसे कहीं गुड़ ना खाए। तो वो महिला बहुत नाराज हो गई कि ये 2 दिन पहले भी ये बात बता सकते थे। तो वैद्य ने कहा कि आपके जाने के बाद मैंने पहले गुड़ खाना बंद किया। तो ठीक मुख्यमंत्री को कहना चाहेंगे, आप आदिवासी अगर हितैषी हैं तो पहले नेमरा गोला के अलावा जहां जहां आपका जमीन है आदिवासियों को वापस कर दीजिए, तभी आपको आदिवासी हितैषी कहेंगे। आप धनपोकारों में रखेंगे 1 एकड़ जमीन, आप दुमका में रखेंगे, आप रांची में रखेंगे, बिल्कुल अगर आप सच में आदिवासी हितैषी हैं तो पेपर के पन्नों में नहीं और आपके भाषणों में नहीं, आप आज से ये मुहिम शुरू कीजिए। क्योंकि अगर नेता बदलाव नहीं करेंगे, अगर नेता नहीं बदलेंगे तो ये राज नहीं बदलेगा। तो इसलिए उनसे हम पहले आह्वान करते हैं, और बाकी तो हम लोग विधानसभा के लिए तैयारी कर चुके हैं, विधानसभा में हमारी पुरजोर उपस्थिति होगी, और उम्मीद करते हैं कि इस बार का विधानसभा का चुनाव उस उद्देश्य के साथ लड़ा जाएगा जिस उद्देश्य के साथ इस झारखंड राज्य को अलग किया गया था, और उसके लिए तमाम राज्य से हमें अच्छा समर्थन मिल रहा है, पूर्ण समर्थन प्राप्त हो रहा है, तमाम वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं, अब एकाडमिक बौद्धिक लोग भी हमारे साथ जुड़ने लगे हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि इस राज्य की बेहतरी के लिए एक बेहतर कार्य करके जाएंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।